पहली बात ये बोलूँ टू एवरीबडी, आवर चेयरमैन मिस्टर अमोल पालेकर, उनका एक ही एजेंडा था फ्रॉम डे वन कि कोर्ट पिक्चर नहीं आनी चाहिए। वो बहुत ही एडमेंट थे कि कोर्ट कैसे भी करके इसको निकाल दिया जाए। ये क्यों था मुझे नहीं पता, लेकिन ये था। और ये बात बाकी जूरी मेंबर जो हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो सब कहेंगे कि यस दिस इज करेक्ट, उसको नहीं चाहिए था उनको। अब जब वहाँ गए हम और ये शुरू हुआ पूरा, तो दूसरे दिन अमोल की बीवी वो भी आ गई और जूरी में बैठी हुई स्क्रीनिंग के अंदर। क्यों? जूरी में मेरी बीवी भी थी, बाकी लोग भी थे, हम तो नहीं लेके आने किसी को। अच्छा ठीक है, आप फिल्म देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन हर फिल्म के बाद आप बाहर आके मेंबर्स को कह रहे हैं कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, इसके बारे में सोचो, इसकी फोटोग्राफी कितनी अच्छी है। आपको ये बोलने का हक नहीं है। अमोल जो चेयरमैन है, अमोल को ये रोकना चाहिए था। बीवी बाहर आके बोल रही है कि कोर्ट, ओ गॉड, सच अ हॉरिबल पिक्चर, सो देयर नो रीज़न फॉर डूइंग दिस थिंग। अब आफ्टर तीन दिन के बाद वी थॉट कि देयर आर नाउ 30 फिल्म्स इन ऑल एंड वी नीड टू रिड्यूस द लिस्ट। तो वी गॉट टूगेदर एंड डिसाइडेड कि लेट अस रिड्यूस द लिस्ट। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन पिक्चर्स एंड फाइनली इट वाज पुट टू वोट कि वोट करें विच आर योर टॉप 4 फिल्म्स। देखिए ऐसे सिचुएशन में जैसे जूरी है, इसमें नंबर 1, 2, 3, 4 सबके होंगे। कुछ मेरा नंबर 1 होगा, कुछ आपका होगा, कुछ इनका होगा, दैट इज द वे इट वर्क्स। तो 4 फिल्मों को ये करते हैं, सबने वोट की, अमोल ने वोट गिने और अमोल ने कहा ये एक फिल्म जो है दिस इज गॉट मैक्सिमम वोट मिले, बी फिल्म को सेकंड नंबर के वोट मिले, उसके बाद तीसरी फिल्म, सी फिल्म और कोर्ट, इनके अंदर बराबर के वोट से। तो दिस इज दी, मैंने कहा वहाँ पर उसी टाइम पे, मैंने कहा ये हो नहीं सकता, क्योंकि जो ट्रेंड था, सबकी बात हो रही थी, मैंने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है, ये गलत है, ये काउंट कीजिए। अमोल बोले क्यों करूँ मैं, मुझे दिखाओ, आई एम अ मेंबर ऑफ द जूरी, आई हैव अ राइट टू सी इट। बोलता व्हाई शुड आई शूट यू, आई विल नॉट शूट यू। व्हाट डू यू मीन, ये हो रहा पूरे जूरी के सामने, आई विल नॉट, आई सेड यू विल हैव टू शूट टू मी, नो आई विल नॉट, आई विल शूट टू व्हेनेवर आई वांट टू। आई सेड व्हाट डू मीन व्हेनेवर यू वांट टू, यू हैव टू शूट टू मी नाउ। बहुत इसमें बहस हुई, ही सेड दैट मीन्स यू डोंट ट्रस्ट मी, आई सेड यस आई डोंट ट्रस्ट यू। तो बाकी दूरी वाले भी थोड़ा ये हो गया कि आई से आई डोंट ट्रस्ट यू, काउंट दीज वोट्स अगेन। बड़ी मुश्किल से ही अग्रीड टू गिव अस द पेपर। अब जब हमने काउंट किया, अच्छा अमोल ने खुद वोट नहीं डाला था, उसने बोला था आई डोंट वॉन्ट टू वोट फॉर दिस। अब जब हमने गिना, पहली फिल्म जो उन्होंने भी कहा था कि दिस इज द मैक्सिमम, वो सही निकली। जो उन्होंने कहा था कि 2 नंबर पे फिल्म है, वो 4 नंबर पे थी काउंटिंग में, वो मतलब 2 नंबर की फिल्म 4 नंबर पे थी। और जो उन्होंने कहा था कि कोर्ट और ये पिक्चर टाइड है, वो पिक्चर जो है कोर्ट 2 नंबर पे थी, काउंटिंग सबकी करेक्ट थी, कोई टाई नहीं हुआ था। अमोल पालेकर कहता है कि टाई हुआ था, वो गलत था, कोई टाई नहीं हुआ था। ये क्यों कह रहा था, मैंने बोला आपने बोला क्यों यूँ, नहीं छोड़ो अभी जो हुआ था, मतलब एक बेशरम आदमी एक बार ये नहीं बोले कि चलो भाई गलती हो गई, क्या हो गई, कुछ नहीं। उन्होंने वो टॉपिक को एकदम अलग ही कर दिया। खैर अगले दिन सुबह आए तो बोले कि देखो मैंने कल वोट नहीं किया था, तो वो वोट मैं आज करूँगा। मैं कहा ऐसे कैसे चलता है यार, कल वोट नहीं करो, आज मतलब पढ़ के पूरे रिजल्ट, तुम बोलते आज करोगे, हाँ आज करूँगा। मैं कहा ये नहीं चलेगा, दिस कैन नॉट हैपन। खैर नहीं हुआ वोट। अब यह बात चलती रही कि किला बहुत ही बुरी पिक्चर है,
कोर्ट बहुत ही बुरी पिक्चर है, ये है, वही है, चलता रहा पूरा, और बाकी फिल्म हम देखते रहे। अब लास्ट डे पे ये हुआ कि फाइनली वोट करके पिक्चरों को रिड्यूस करना था टिल वी फाउंड अ विनर। तो वो जो पूरा ये हुआ उसके अंदर दो पिक्चरें, एक कोर्ट और एक और फिल्म। सर नाम नहीं पूछें तो बेटर है, क्योंकि फिल्में बहुत ही अच्छी थी सब किस्म, और ये जूरी बहुत अच्छी थी, फिल्म बहुत अच्छी। सो वी आर हियरिंग दैट द लास्ट कंटेंडर्स वर बजरंगी और कथा मुटाई और बाहुबली, इज दिस करेक्ट? आई डू नॉट वांट टू कमेंट ऑन इट, दे आर ऑल फिल्म्स दैट एंटर्ड, यू नो, आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू रियली कमेंट ऑन फिल्म। कोर्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, कोर्ट वी नो इज अ विनर। फाइनली वी केम डाउन टू टू पिक्चर्स, वट डिसाइडेड की टू पिक्चर्स, नाउ वी पुट इट टू वोट। There were pros, cons, कोई एक डिबेट जो होता है वो हुआ पूरा, एंड वी पुट इट टू वोट। द मिस्टेक हियर मेड बाई द फेडरेशन, जो फेडरेशन से गलती हुई कि टोटल जूरी में मेम्बर्स जो थे वो थे 16। जूरीज में मेम्बर हमेशा ऑड नंबर होते, क्योंकि ऑड नंबर में अगर टाई हुआ कि चेयरमैन वोट नहीं करता, अगर टाई हुआ तो चेयरमैन फिर अपना वोट डालता है जिससे डिसाइड होता है कि क्या रिजल्ट है, यहाँ वो नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ फेडरेशन में सिस्टम नहीं है कास्टिंग वोट का, ठीक है, आपने कहा नहीं है, हम मानते हैं। अब वो वोट डालें, जब वोट गिने तो दोनों पिक्चरों में 8-8 वोट थे। अच्छा, मैंने कहा अब क्या करेंगे, आपने कहा कास्टिंग वोट नहीं है। सॉरी, इससे पहले 3 दिन पहले, बिफोर दिस हैपेंड, अमोल ने कहा कि भाई एक प्रॉब्लम आ गई है, दी अकेडमी अवार्ड हैज़ अ रूलिंग कि अ पिक्चर्स लैंग्वेज जो है उनके उसमें कैन नॉट बी, ही सेड, मोर देन 60% इन इंग्लिश, इट हैज़ टू बी इन एनी अदर लैंग्वेज। तो वी सर ओके, नाउ दैट इज़ अ रूलिंग। तो पहले सबने कहा कि आई यू शो इट्स रूलिंग, फेडरेशन ने कहा इट इज़ अ रूलिंग। तो ये हुआ कि भैया इसमें, दैट मीन मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ, विच इज़ अ वंडरफुल फिल्म, कि मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ विल नॉट बी क्वालिफाइड, बिकॉज मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ में अपेरेंटली डायलॉग बहुत इंग्लिश में। तो हमने कहा ठीक है, अब नहीं है। तो ये बोले कि नहीं जी, कोर्ट में 70% इंग्लिश डालोगे। कोर्ट में 70% कौन से डालोगे, कोर्ट में इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, गुजराती भी है और मराठी भी है। नहीं नहीं नहीं, ये 70% कोर्ट जो है वो इंग्लिश में है, और एक फिल्म फेस्टिवल में कोर्ट रिजेक्ट हुई है क्योंकि लैंग्वेज उसमें 70% इंग्लिश था। मैं कहा अमोल बताइए नाम क्या है वो फेस्टिवल का, क्यों बताऊँ? अरे हर चीज़ के लिए क्यों बताऊँ, क्यों बताऊँ है तो फिर मैं छोड़ो यार, इसकी बात है छोड़ो। अब ये फाइनल वोटिंग पे आई, फाइनली वोट इक्वल हो गए। अब बोले कि क्या करें, मैंने बोला मुझे इंटरेस्ट अभी ये है कि अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बोले एक काम करते हैं, रीवोट करते हैं। मैं कर लेते रीवोट, अगर ये रीवोट में काम नहीं आया फिर क्या करेंगे, वो तो फिर क्या वोट करना पड़ेगा जब तक फैसला नहीं होगा। मैं कहा मतलब अमोल, अगले ऑस्कर तक हम लोग यहाँ बैठे वोट कर रहे होंगे कि भाई इस साल ऑस्कर का कौन सी पिक्चर जाएगी, क्योंकि वोट एक है। तो उसने बोला कि अच्छा काम करते हैं कि मोस्ट प्रॉबली कोर्ट जो है वो निकल जाएगी, क्योंकि कोर्ट का लैंग्वेज 70% इंग्लिश में है। और अभी हमको एक ईमेल आया जो हमने देखा था ऑस्कर से कि 40% लैंग्वेज जो है 40% से ज़्यादा इंग्लिश में नहीं होनी चाहिए। तो अमोल ने कहा कि ये तो पक्का है कि 40% से कम तो है ही नहीं, 40% के ऊपर है। ये काफ़ी लोगों को वहाँ लगा कि ये पॉसिबल नहीं है, सबको लगा। खैर, तो बोले अच्छा आप पता कैसे करें इसका, बोले पिक्चर एक शो रखते हैं फिर से और स्टॉप वॉच लेके बैठते हैं, एक आदमी स्टॉप वॉच ऑन करेगा जब इंग्लिश डायलॉग चलेंगे, एक ऑन करेगा जब इंग्लिश के अलावा डायलॉग करेंगे। खैर अभी मैं कहा अच्छा ये भी कर लो,
लेकिन ये करोगे तो जो जूरी मेंबर है कोई अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब जूरी वालों को आप एक चांस देख रहे पिक्चर दूसरी बार देखने का, जो अभी तक किसी को अपॉर्चुनिटी दिया नहीं हमने। अगर ये अपॉर्चुनिटी था दूसरी बार देखने का तो आप कह रहे हैं कि जो नंबर दो पिक्चर हैं वो दिखा दो, मैंने कहा वो बात नहीं है, उसके अलावा जो पिक्चर हैं किसी को शायद कोई भी पिक्चर दूसरी बार देख, किसी को बाहुबली देखनी हो कुछ भी देखा हो, वो नहीं नहीं ये सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस है। तो शुरू हो गया था, मैं बाहर बैठा था, अमोल बाहर था, एक दो आदमी और थे, इसने कहा राहुल ये सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस है देखने के लिए कि ये 40% से ज़्यादा है कि नहीं। मैं कहा अमोल अगर नहीं हुई जो नहीं होगी तो क्या करोगे, मैं तुमको बोल रहा हूँ पक्का ये 40% से ऊपर है। मैं कहा उन दो मिनट के लिए ये सोचते हैं कि 40% से कम है, चल मैं आपकी बात मानता हूँ, उसके बाद क्या करें। बोला कि उसके बाद फिर विल टेक अ कॉइन एंड टॉस इट बिटवीन टू पिक्चर। सो आई सेड या दैट्स अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज इन द ओलंपिक्स ऑल्सो दे टॉस अ कॉइन, सो यू नो इफ यू कांट फाइंड अ कॉइन आई वॉट माई शू ऑल्सो वी कैन थ्रो माई शू अप एंड डिसाइड कि सीधा के रहेगा उल्टा के देगा। इट्स अ रिडिकुलस थिंग आई एवर हर्ड कि आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की सबसे अच्छी पिक्चर कौन सी है बाई टॉसिंग अ कॉइन, आई मीन इट्स रिडिकुलस। खैर वो पिक्चर उन्होंने देखी, अब आए, अब एक मेंबर जो बाहर निकला उसने मेरे से कहा कि राहुल जी मैं अपना वोट चेंज करूं, जो मैं वोट कोर्ट को दिया हुआ था मैं चेंज कर रहा हूं दूसरी पिक्चर के लिए। मैं उसको कहा कि ये गलत है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ये टेक्निकली देख रहे थे, वोट चेंज नहीं कर सकते। तो ये बात मैंने बात की तो अमोल ने बोला क्या फ़र्क पड़ता चेंज कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता चेंज करना। मैं कहा अगर ये कर रहे हैं तो आई एम एब्सटेनिंग। देखिए मेरे क्या है कि कोई चीज़ जो है जो फोर्स कर रहे हैं आपको जो मॉरली करेक्ट नहीं है मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ, मेरा माइंड माई टाइप इज लाइक आई सो ओके इन दैट केस आई विल अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, आई विल नॉट कास्ट माई वोट। किसी मेंबर ने कहा वहाँ पर कि आपने अगर नहीं कास्ट किया तो आप ये पिक्चर के चांस कोई पिक्चर के चांस आप बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका वोट नहीं आया तो वो पिक्चर के चांस बढ़ गए, तो ये गलत नहीं होगा। मैं कहा अच्छा एक काम करता हूँ मैं रिज़ाइन कर देता हूँ ख़त्म, आपकी कमेटी भी करेक्ट रहेगी, आपका डिसीजन भी हो जाएगा और मुझे छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि ये सारा सिस्टम जो है और जो अमोल पालेकर चला रहा है ये मुझे सूट नहीं कर रहा। सब ने वहाँ सारे के सारे लोग खड़े हो गए और कहा कि राहुल जी प्लीज़ ये मत कीजिए, ना आप अब्सटेन कीजिए ना आप रिज़ाइन कीजिए, आप अपना वोट डालिए। मैं वहाँ पर कह रहा हूँ आप लोग से कि अगर अमोल पालेकर एक बार कहता कि राहुल डोंट डू दिस आई वुड हैव नॉट डन इट। अमोल पालेकर ने एक बार भी नहीं कहा कि ये नहीं, उसने चुप रहा। मैंने कहा आई एम रिजाइनिंग, इट्स ओके देन वी वोट विदाउट राहुल फाइन। अब वो वोट हुआ, तो वोट खोले तो अमोल पालेकर ने वोट नहीं दिया था, तो जब वोट गिने वो फिर साथ साथ हो गए, क्योंकि वो इन्होंने ये कैलकुलेट नहीं किया था मेरा ख्याल है कि मैं वोट नहीं करने वाला हूँ, तो वो फिर साथ साथ हो गए। अब बोले अब क्या करें, तो अब वो डिस्कशन चल रही है कि क्या करें, तो उन्होंने बोला कि ये कास्टिंग वोट डाल देते चेयरमैन का। मैं कहा देखो मेरे को तो बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं रिजाइन कर चुका, नहीं वो गलत है क्योंकि आपने डिसाइड किया था, फेडरेशन ने कहा था कास्टिंग वोट नहीं हुआ तो ये गलत है। तो फिर किसी ने कहा चलो यार 10 मिनट के लिए ब्रेक करते हैं, चाय वाय पीते हैं, जिनको सिगरेट पीना है सिगरेट पे सोच के फिर मिलते हैं। वापस आए,
बोले नहीं यार कास्टिंग वोट ही होगा. ठीक है, अब जब उन्होंने कहा कास्टिंग वोट होगा, हम सबको ये पक्का हो गया था कि ये जो है जो सेकंड फिल्म है ये वो फिल्म आगे जाएगी, क्योंकि इसको कोर्ट पसंद नहीं है. इसने हर स्टेप पे कोशिश की है कि कोर्ट निकल जाए, और जो वोट आया इसने वोट कोर्ट को दिया, तो ये किसी के समझ में नहीं आया क्या वो. मतलब देखिए, ये एक आदमी जो 8 दिन से कर रहा था कि कोर्ट निकल जानी चाहिए, और एकदम से उसने कोर्ट को दे दिया. खैर, अब इसका कोई नहीं. और ये जो ये कह रहा है कि राहुल रवेल ने रिज़ाइन किया कोर्ट के रिजल्ट के बाद, ये एकदम गलत है, क्योंकि मैंने रिज़ाइन किया था ये लास्ट वोट होने से पहले, आई रिज़ाइन बिफोर दैट. तो ये अमोल पालेकर ये इम्प्रेशन देना चाहता है कि कोर्ट का हीरो मैं हूँ, मैंने कोर्ट को करवाया, और राहुल रवेल ने रिज़ाइन किया इसलिए क्योंकि वो कोर्ट से खुश नहीं था. मेरे लिए कोर्ट जो दूसरी पिक्चर थी और जो बाकी 28 पिक्चर थी, सारी के सारी बहुत अच्छी पिक्चर थी. जो फाइनल 2 पिक्चर हैं, जब 2 पे पिक्चर पहुंचती है 30 में से, मतलब सबकी कोई लाइकिंग है उसके लिए. अब फाइनली उसमें 1 नंबर या 2 नंबर आपको चुनना पड़ता है. तो ये कहना कि मुझे कोर्ट पसंद है, ये सरासर गलत है. ये अमोल पालेकर चीज़ें मैन्यूपुलेट कर रहा. और सबसे बुरी बात, सबसे बात जो ये हुई कि एक तो एक आदमी को मैंने 18 आदमियों के सामने ये बोला कि तुम चोर हो, तुम चीज़ों को मैन्यूपुलेट कर रहे हो, और उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं. मैं होता, मैं उसी दिन उठता और बोलता जी मैं चला, मैं जा रहा हूँ. इसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था. इसको रोज़ मेरे से गालियाँ पड़ती थी, इसके फेस पे एक्सप्रेशन नहीं आता था. फिर बंगाल से एक थे जूरी में, 2 दिन के बाद उन्होंने भी शुरू किया, जो तो बंगाली जूरी थी, वो तो एकदम आग बबूला हो गया था. और उसने बोला अमोल को कि अमोल डोंट मेक मी ओपन माई माउथ, आई हैड इनफ ऑफ यू. कोई एक्सप्रेशन नहीं था. तो सबसे हैरानगी की बात थी कि हम सब जूरी के लिए गए, इसके लिए हम सब की बीवियाँ घर पे, बच्चे जो लेडीज थे उनके हस्बैंड थे उनके बच्चे, सिर्फ अमोल पालेकर अपनी बीवी को लेकर आया था. ठीक है, उनकी बीवी को क्या हक था बैठने के लिए जूरी के साथ? आपको जूरी के साथ बैठने का कोई हक नहीं है दुनिया के कोई भी इसमें. जूरी अलग बैठती है, कोई नहीं बैठता. अच्छा, वो बैठी भी थी, और हर एक पिक्चर के बाद वो अपने कमेंट दे रही थी, ये तो बहुत ही अच्छी पिक्चर है, आप लोगों को कंसिडर करना चाहिए, ये कोर्ट तो बहुत ही बुरी है. मतलब आप कौन होते बोलने वाले भाई? और ये बात जो है, आप कोई भी जूरी मेंबर के साथ ये चीज़ आप रिकन्फर्म कर सकते हैं जो मैंने कहा है, कि ये बातें एग्जैक्टली हुई है कि नहीं हुई. एक भी आदमी बोले कि नहीं हुई है, तो आप लोग जो कहेंगे वो मैं सजा में तैयार. एक आदमी बोले कि नहीं हुआ, दिस इज द होल सिचुएशन विच आई वॉन्टेड टू क्लैरिफाई.